इस वीडियो में हम देखेंगे वेस्ट मटेरियल से, घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से डोरमेट बनाना। हम यहाँ पे जो दाल चावल की खाली थैलियाँ रहती है उसका यूज़ कर रहे हैं। इसे हमने पूरा खोल के और डबल कर लिया, फिर इसे हम फोल्ड करेंगे और इसे अब हम गोलाई में कट कर लेंगे। गोलाई का हम निशान लगाएंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। इसके लिए आप घर में पड़े हुए किसी भी मोटे कपड़े या वेस्ट, कोई भी जो मोटा कपड़ा अच्छा है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमने कटिंग कर लिया। अब ये दो भागों में है, दो तरफ से है, ये दो गोल कर रहे हैं और ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल है। आप चाहे तो इसकी जगह साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम रेब में काटेंगे। इसे हम दो दो इंच की निशान लगाकर और लंबी लंबी पट्टियाँ काटेंगे इसकी। आप चाहे तो ये तीन चार कलर में भी यूज़ कर सकते हैं कपड़े को, जो हमारे पास वेस्ट पड़ा हो। हम यहाँ पर आपको गोल बनाना बता रहे हैं, गोल डोरमेट। इसके लिए हम उरेब की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह हमें बहुत सारी लंबी लंबी पट्टियाँ काटनी है। ये हम आपको दो कलर में बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक कलर की और कटिंग करेंगे। इस तरह हम लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये सब हम दो दो इंच की कटिंग करेंगे। यदि आपके पास कोई साड़ी हो या फालतू कोई कतरन पड़ी हो लंबी चिंदियाँ, उन्हें हम जोड़ जोड़ कर भी कलरफुल भी बना सकते हैं। इस तरह से हमें कटिंग कर ली। अब हमें दूसरे कलर की भी कटिंग करेंगे चिंदियों की, पट्टियों की कटिंग। इसे दो दो इंच पर हम निशान लगाकर और इन पट्टियों को काट लेंगे। अब हम इन्हें जोड़ के और लंबा कर लेंगे, सीधा एक बिल्कुल। इस तरह हम इनके कोने जोड़ जोड़ के और इन्हें पूरा लंबा कर लिया है, ताकि हमें बीच में जोड़ नहीं लगाना पड़े जहाँ पट्टियाँ ख़त्म हों। आप चाहे तो सीधी सीधी पट्टियाँ भी लगा सकते हैं उरेब नहीं काटकर, और फिर हम यदि उसका उपयोग करते हैं तो फिर हम उसे सल भरना पड़ेंगे बीच में। यहाँ पे गोल है तो हम उरेब ले रहे हैं। अब इसे हम इस पे रख कर और सिलाई लगाते जाएंगे डबल करके। इस पट्टियों को हमने फोल्ड कर लिया है और रख के और हम सिलाई लगाते जाएंगे एक के आधा आधा इंच की दूरी पर, और इसे पूरा सिलाई लगा के पूरा भर देंगे गोल बनाते हुए। पास पास में सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ तीन या चार कलर की लगा सकते हैं डिज़ाइन। इस तरह से हम इसे लगाते जाएंगे, बहुत इजी है ये। हम यदि चौकोर बनाते हैं तो उसके लिए हमें सीधी सीधी पट्टियाँ कट करके और सल देते हुए भी हम बना सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पर दूसरे कलर भी ऐड कर देंगे यहाँ से हम, तो ये अच्छा सुंदर लगेगा। इस तरह से
आपको दिवाली डेकोरेशन में बहुत अच्छा काम आएगा। इस तरह हम यहाँ पे हमने गुलाबी कपड़े का यूज़ किया है और अब हम इसे बिल्कुल पैक कर देंगे बीच में। अब यहाँ से हम ऊपर से छोटा सा रेड कलर का गोल पीस लगा देंगे ताकि ये फिनिश्ड लगे। इस तरह से आप चाहे तो इसे और भी कोई सी शेप में बना सकते हैं, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, कोई से भी शेप में बना सकते हैं। अब हमने जो एक और पीस कट किया था वो हम फेविकोल लगाकर इसके ऊपर चिपका देंगे तो ये थोड़ा अच्छा मोटा हो जाएगा, या फिर कोई मोटा कपड़ा भी चिपका सकते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ एक और स्क्वायर बनाया है शेप में।